के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा किया और इस दौरान सीएम योगी ने पहले हनुमानगढ़ी और फिर रामलला के दर्शन किए, फिर सरयू में सोलर बोट का निरीक्षण किया और सीएम योगी ने नाविकाओं को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि कोई भी नाविक मदिरा पान नहीं करेगा, क्योंकि जो मेहमान अयोध्या आ रहे हैं उनका अतिथि सत्कार आप सबकी जिम्मेदारी है। तो ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर सबसे पहली तस्वीर रामलला के दर्शन करते हुए आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को, जहां पर उन्होंने रामलला की पूजा अर्चना की। दूसरी तस्वीर सरयू के तट पर सीएम योगी को आप देख सकते हैं, जहां पर सोलर बोट का जो है निरीक्षण करते हुए वो नजर आए और सोलर बोट में वो बैठे भी। और सभी का अभिनंदन करते हुए किस तरीके से आपको ये तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसी तरीके से अगली तस्वीर सोलर बोट का निरीक्षण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, उसकी अगली तस्वीर सरयू की धारा के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की खूबसूरत सी तस्वीर है, उसकी अगली तस्वीर निरीक्षण का कार्य पूरा किया उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, और अगली तस्वीर लाइफ सपोर्ट जैकेट जो है उनकी तरफ से बांटी गई। तो ये लाइफ सपोर्ट जैकेट जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने वितरित की है। फिलहाल ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं, पहली रामलला के दर्शन की हैं, फिर सरयू के तट पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हैं और अगली तस्वीर सोलर बोट के निरीक्षण करते हुए तस्वीरें हैं, उसकी अगली तस्वीर जब सरयू की धारा के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ दिखे और अगली तस्वीर जब निरीक्षण कार्य पूरा हो गया उसके बाद की तस्वीरें हैं और उसकी अगली तस्वीर लाइफ सपोर्ट जैकेट का वितरण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। कोई भी यात्री बैठे लाइफ जैकेट जरूर पहने, ऐसा उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार होना चाहिए क्योंकि सब अतिथि बन के आएंगे। ठीक है जी सर, जय जय सीताराम। और तमाम जानकारी के साथ प्रशांत शुक्ला हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे जहां पर उन्होंने सोलर बोट का निरीक्षण भी किया है और लाइफ सपोर्ट जैकेट्स का भी वितरण किया है, और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है प्रशांत? बिल्कुल, जैसा आपको बताएंगे 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा उसको लेकर इस महीने में तीसरी बार योगी आदित्यनाथ जी का दौरा है और साथ ही साथ आप बताएंगे की जो सोलर पैनल जो का जो बोट आया है इसको इन्होंने आज सरयू में इसको उतारा है और साथ ही साथ आप तस्वीरें में साफ साफ देख सकते हैं कि इसको लाइफ जैकेट जो ये भी आमंत्रित किया है। और मेन मोटिव योगी जी का जो अयोध्या दौरा है ये कि देखने के लिए कि राम मंदिर का कितना प्रतिशत काम हुआ है, बाकी जो वीवीआईपी जाएंगे जिसको 7000 से ज्यादा वीवीआईपी फंस गए उनका जो रहन का जो टेंट सिटी बनाया गया उसका होटल का है वो कैसे कहाँ रुकेंगे और जो एयरपोर्ट से आएंगे रास्ते का सारे जायजा करने के लिए, तो ये सारी चीजें का जायजा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या में आप आए हुए हैं। बिल्कुल प्रशांत, वही बात कर ली जाए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में ये भी कह दिया है जो नाविक हैं उनसे कि मदिरा पान का सेवन बिल्कुल भी ना करें। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि ये राम मंदिर का जब निर्णय आया था मंदिर बनने के लिए उसी समय इसका सब कार्यकाल चला था कि यहाँ पे मांस मदिरा ना बने, साथ ही साथ जो गाय और ये सारी चीजें जो करते थे मुर्गे वगैरह सारी चीज के लिए पहले मना हो गया था। और बताना चाहिए चार जो राम मंदिर और हनुमानगढ़ी है मंदिर से 4 किलोमीटर परिसर तक दारू और मंदिरें जितनी चीजें थी सारी चीजें बंद कर दी गई थी और आप इसमें साफ साफ बहुत सख्ती से देखने लिए जो अगर कहीं खुले हैं अगर ब्लैक में कोई बेच भी रहा है तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए जो योगी सरकार और इनके प्रशासन है यूपी प्रशासन वो देखते हुए दिखी है। प्रशांत, वही बात कर ली जाए, देखिए रामलला आ रहे हैं और अपने साथ रोजगार भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने भी नेटवर्क 10 की पूरी टीम जब अयोध्या पहुंची थी तब हमने देखा कि हर किसी के हाथ में यहाँ रोजगार देखने को मिला। जी बिल्कुल, जैसा आपको बताएंगे कि राम 2017 से पहले बताया था मैंने कि अयोध्या में कोई आना नहीं पसंद करता था, पर आज वो दिन आ गया है कि राम मंदिर के साथ साथ जो विकास कार्य जो डबल इंजन की सरकार है वो इतने विकास हुए हैं कि लोग अयोध्या में आने के लिए परेशान है, बेताब हैं और उनके मन में एक ही चीजें जल्द से जल्द 22 तारीख भव्य राम मंदिर की प्रतिष्ठा होकर उनको दर्शन करने का सौभाग्य मिले जो 500 वर्ष बाद इंतजार घड़ी उस समय आ गया है। साथ ही साथ अगर बताया जाए कि यहाँ पे लोग जो अयोध्यावासी दर्शन अयोध्यावासी को कहीं जाना होता था या जो देश विदेश के लोग अयोध्या आना होता था या बाहर जाना पड़ता था तो एयरपोर्ट की सुविधाएं नहीं थी, तो विकास के द्वारा वाल्मीकि एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ। साथ ही साथ अयोध्या जंक्शन जो अयोध्या कैंट फैजाबाद था उसका नाम चेंज करके अयोध्या कैंट हो गया है,
जो अयोध्या धाम था वो अयोध्या जंक्शन का जंक्शन वो होता है जहाँ से ट्रेन बन के चलती है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि अयोध्या जंक्शन ट्रेन हजार कई हजार से ऊपर स्पेशल ट्रेन चलाई गई है जिससे जो आम जनमानस है उनको आने जाने में कोई दिक्कतें ना हो। बताया जाए कि जो आने वाले टाइम में भीड़ बढ़ेगी उसके लिए मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है। आप देख सकते हैं आज योगी जी द्वारा सोलर बोर्ड का इनॉग्रेशन किया गया, साथ ही साथ चटाई क्रूज आए थे और ऐसे तमाम विकास कार्य अयोध्या में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत वही बात कर ली जाए, इतनी ठंड में भी लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। जी बिल्कुल, आपको बताएंगे ठंड का कहर तो देखने को मिल ही रहा है, पर जो राम भक्त हैं, जो अयोध्या वासी हैं, साथ ही साथ जो करोड़ों राम भक्त हैं, उनके मन में एक खुशी इतनी है, एक अलग ही उत्साह है राम मंदिर के उसको लेकर। वो लोग ठंड का बिल्कुल ठंड के कहर होने के बाद भी उनके मन में जो खुशियां हैं वो सारी चीजें उन्होंने भुला चुका है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे जो राम मंदिर 22 तारीख का इनॉग्रेशन है इसको देखते हुए अगर अयोध्या की बात किया जाए तो अयोध्या में राममय पूरा कर दिया गया है। और आपको बताना चाहेंगे कि जो राम भक्त हैं यहाँ पे अयोध्या में हर जगह हर मंदिर जो प्राचीन मंदिर है उसमें रामायण का प्रोग्राम कराया गया है, कहीं भागवत गीता हो रहा है, कहीं जल यात्रा निकाली है, कहीं दुर्गरिया का प्रोग्राम कराया, ऐसे तमाम चीजें अयोध्या में देखने को मिल रही है। चलिए बहुत शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज सोलर बोट का निरीक्षण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए और उन्होंने लाइफ जैकेट भी जो है उसका भी वितरण किया और जो नाविक हैं उन्हें साफ स्पष्ट शब्दों में सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी नाविक जो है मदिरा पान का सेवन नहीं करेगा, क्योंकि जो भी अयोध्या में लोग पहुंच रहे हैं वो आपके अतिथि हैं और उनका अच्छी तरीके से आपको स्वागत करना है और मदिरा पान का सेवन ना करें। इस तरीके के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं।